ऐसा है, पहले तो मैं पेंटिंग्स बनाता रहा हूँ, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है ह्यूमन बीइंग की और जो प्रॉब्लम है सोशल इकोनॉमिकल, ऐसी प्रॉब्लम्स को लेके मैं थोड़ा बहुत पेंट करता था पहले। तो 30 साल हो गए मुझे पेंट करते थे। अल्टीमेटली मुझे लगा कि मुझे जो है ना अपने रूट्स, जो बेसिक रूट्स है उसको समझना चाहिए। उसके लिए मैंने फिर यहाँ दिल्ली छोड़ी और मैं 6 महीने हिमाचल में रह के उपनिषद को समझता हूँ, सीखा। और ये जो सारे पेंटिंग्स हैं वो उपनिषद से इंस्पायर होके की गई हैं सारी की सारी। एक तो उपनिषद की श्रुतिज होती हैं जिसे मंत्रास कहते हैं, उनको मैंने नहीं किया। लेकिन जब आप 6-6 और 8-8 महीने उपनिषद की क्लासेस अटेंड करते हैं, उन स्वामियों के साथ बैठते हैं, तो उससे क्या होता है कि उस सारा का सारा थॉट प्रोसेस जो है उपनिषद का, वो आपके अंदर अपने आप ही चला जाता है और उसके बाद इम्बाइब हो जाता है एक ढंग से। तो उसके बाद जब काम करते हैं तो अपने आप ही निकलना शुरू हो जाता है। तो मतलब जब काम करते हैं कॉन्शियस एफर्ट नहीं है, मतलब आप सोच के काम नहीं करते, जो कुछ करते हैं तो पता लगता है कि अरे ये फलाने उपनिषद में फलाना थॉट था, उससे आसपास के रिलेशन है, तो ये काम किया जाता है। तो वो सारे आइडियाज़ और थॉट्स और फीलिंग्स इम्बाइब करता है आदमी। तो जब आदमी पेंट करता है तो नेचुरली वो निकलते हैं। तो पेंटिंग सोच के कभी नहीं हुई है, पेंटिंग निकलती जो पर्सनैलिटी जैसे हो जाती है उसमें से निकलती है पेंटिंग। तो जब आप मैं काम करता हूँ तो मुझे लगता है कि अरे फलाने उपनिषद का, मुंडक उपनिषद या तैतृय उपनिषद का एक फलाना आइडिया निकला है, तो ऐसे मैं पेंट कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि हमें जो है ना बेसिकली, चूँकि वेस्टर्न इन्फ्लुएंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं नेक्स्ट जनरेशन पर, दे शुड उनको जो है ना टू अंडरस्टैंड देयर रूट्स, दे शुड गो बैक टू देयर एंसेंट कल्चर, द वैदिक कल्चर, वेर दे विल अंडरस्टैंड योर ओन रूट्स। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं बेसिक रूट्स को समझने की कोशिश करके एक्सप्रेस करूँगा थ्रू पेंटिंग्स। दिस इज माई पर्पज। एट मीडियम जो है मेरा एक्रेलिक्स है इस वक्त। पहले मैं ऑयल्स में करता था, मैं एक्रेलिक्स कैनवस पर करता हूँ। ये सब पेंटिंग एक्रेलिक्स के लिए हैं। आकृति जब आप जंगलों में घूमते हैं, इधर उधर घूमते हैं, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस के अंदर जो है ना आपके अंतरात्मा में आपको हैबिट होती है आकृति, आदत होती है आकृतियाँ देखने की। तो क्या है कि जब आप जंगलों में जागते हैं, इधर जाते हैं उधर जाते हैं, तो कहीं कहीं आकृतियाँ दिखनी शुरू होती हैं। कुछ ऐसी पेंटिंग है जो कि जंगलों में से इंस्पायर होकर मुझे ह्यूमन आकृतियाँ या ऐसी आकृतियाँ जैसे कि ऐसा लगता है कोई ट्रीज और मेडिटेट कर रहे हैं, तो उनको ह्यूमन बीइंग में टर्न किया मैंने। ऐसा लगता है कोई ट्री है जो मेडिटेट कर रहा है। हम नहीं, हम तो बहिर्मुखी हैं, लेकिन ट्रीज अंतर्मुखी हैं। जो इकोलॉजिकल सिस्टम है, जैसे पंचदशी है, पंचदशी के अंदर जो है ना 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया गया, जो कि कई हज़ार साल पहले चल रही है। पांच तत्व से जिससे ह्यूमन बीइंग बना है, हमारी पंचदशी बताती है, 5 तत्व से जिससे मनुष्य बना है, वो 5 तत्व है। वो 5 तत्व हमारे कॉस्मोस में हर जगह है। तो इन 5 तत्व, ये 5 तत्व ना हो तो मनुष्य ना हो, है? तो उन 5 तत्वों की फीलिंग इन पेंटिंग्स में अगर आप ध्यान से देखें तो एयर है, अर्थ है, वाटर है, ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग तभी है जब एयर, अर्थ, वाटर है, अग्नि है। तो ये समझना ज़रूरी है। अगर एयर, अर्थ, वाटर, अग्नि ना हो तो ह्यूमन बीइंग ना हो। तो आजकल इकोलॉजिकल सिस्टम को बैलेंस करने की कोशिश करें तो उसको पहले समझना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो आगे की जनरेशन है, जो यंगर जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन, उसको हमारे बेसिक वैदिक कल्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। अब वेस्ट की तरफ जा रहा है, वेस्ट की कॉपी हो रही है, सूडो कॉपी।
जाओगे जाओगे